हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिना किचन। आज हम बनाएंगे एक चम्मच घी से आलू की फलहारी चाट, वो भी अलग तरीके से। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। चाट बनाने से पहले हम बनाएंगे व्रत की स्पेशल चटनी। चटनी के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, खटास के लिए टमाटर और 2 हरी मिर्च स्पाइसी। चटनी को पीसने के लिए हमने एक ग्राइंडर जार लिया है, इसमें हम डालेंगे धनिया, अदरक, हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो, जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हो। और अब हम डालेंगे टमाटर को पीसीज करके। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। आधा चम्मच से आधा नमक, ढक्कन लगाएंगे और ऑन ऑफ करते हुए इसको बारीक पीस लेंगे। चटनी को पीसने के बाद कलर थोड़ा सा काला पड़ जाता है, ये देखिए। इसके लिए हम डालेंगे आइस क्यूब, 2 से 3 आइस क्यूब डालेंगे और इसको पीसेंगे और देखना चटनी का कलर अलग ही आएगा। ये देखिए काले से कहाँ पहुँच गया। छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिसके रिजल्ट में काफ़ी फ़र्क आता है। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे, घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे आधी चम्मच जीरा और ये 10 से 12 करी पत्ते और चलाते हुए भूनेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। जीरे का कलर चेंज हो गया है, अब हम डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम डालेंगे शिमला मिर्च और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। शिमला मिर्च अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, अब हम डालेंगे उबले हुए आलू। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मैंने छोटे पीसीज में काट कर डाला है। इन सभी को हम अच्छे से मिलाएंगे। अब हम डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर और सभी को अच्छे से मिलाते हुए करीब 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है अच्छे से चाट में आ जाए। अब हम डालेंगे आधी चम्मच सेंधा नमक और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारी हेल्दी और टेस्टी आलू की चाट बनकर तैयार है, जिसको हमने 1 चम्मच घी में बनाकर तैयार किया है। अगर आप आलू की क्रिस्पी चाट खाना चाहते हैं तो आप अलग से आलू को फ्राई करें और चाट में डालें। हमारी चाट बनकर तैयार है और इसको एक खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए अब इसमें डालेंगे ग्रेप्स। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट डाल सकते हो, आप चाहे तो बनाना भी डाल सकते हो या फिर एप्पल भी डाल सकते हो। और इसमें चटनी डालकर इसको अच्छे से मिलाएंगे। और ये देखिए हेल्दी टेस्टी इस खट्टी मीठी स्पाइसी चाट बनकर तैयार है। आप इसको ऐसे खाएं या फिर दही के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगेगी, साथ ही साथ पेट भी भरेगा। आप इसको एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।